हेलो दोस्तों, दिस इज़ आरोही और आज इस वीडियो में बताऊंगी कि सेक्स करने के बाद यानी संबंध बनाने के बाद कितने दिन के बाद जो है बच्चा ठहरता है यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो कितने देर के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं आखिर एक बच्चा यानी कि एक बेबी कैसे बनता है। इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि जब सेक्सुअल संबंध बनते हैं, जब सेक्स होता है, इंटीमेशन होता है, तो फीमेल का एग और मेल का स्पर्म मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन होता है। ये पूरी प्रोसेस है जो साइंस के अकॉर्डिंग आपने भी सुनी होगी और ये पूरा प्रोसेस है एक बच्चा बनने का। लेकिन इस प्रोसेस में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने मिनट के बाद सेक्स करने के तुरंत बाद ही जैसे स्पर्म रिलीज होता है आपके यूटेरस में, वैसे ही वहाँ से ही शुरू हो जाती है प्रोसेस। 3 मिनट के अंदर, महज 3 मिनट के अंदर ही जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। कई बार इस प्रोसेस में देर लगती है और वो कम से कम 5 दिन तक स्पर्म जो है यानी वीर्य जिसे कहते हैं, वो स्पर्म जो है कि फेलोपियन ट्यूब के आसपास बैठे रहते हैं और वेट करते हैं कि कब से फर्टिलाइजेशन करें। तो इस प्रोसेस में 3 मिनट से लेकर 5 दिन तक भी लग सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज यानी कि तुरंत अगर आपने इस समय सेक्स किया तो उसके बाद तुरंत ही आप प्रेग्नेंट हो गई। हो सकता है तुरंत भी हो सके, 3 मिनट के अंदर भी, या फिर 5 दिन के बाद भी कंसीव हो सकती है। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे लगे वीडियो, जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।